मुझे किसी और से पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है जब मैं 16 साल का था तब मेरा रेप हुआ था बाबा जी के पास मैं उन्हें लगा कि मैं बाबा जी के पास में जाने से ठीक हो जाऊंगा। कि शायद डॉक्टर्स के पास में ले जाने से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन गे होना कोई बीमारी नहीं है एंड राइट नाम आई एम सर्विंग टू द डिफेंस डिपार्टमेंट वन ऑफ़ मेन प्राइम डिफेंस डिपार्टमेंट और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं गे हूँ नमस्कार मेरा नाम है विजय सिंह शेखावत मेरा जन्म एक राजस्थान के छोटे से ज़िले में हुआ है और मेरी परवरिश बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हुई है मेरे टेंथ तक की स्कूलिंग बॉर्डर एरियाज़ में और टेंथ के बाद में इलेवन ऑन मैंने मेरा कॉलेज जो है वो जयपुर से कंप्लीट किया एक डिफेंस फैमिली के फैमिली से आने के कारण और एक डिफेंस बैकग्राउंड होने के कारण मेरे ऊपर शुरू से लेके आज तक काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थी जैसे ऐसे कपड़े मत पहनो ऐसे मत बोलो ऐसे मत चलो यहाँ मत जाओ ऐसा हेयर कट मत करवाओ इससे ज़्यादा मत बोलो इन लड़कों से बात मत करो ऐसे दोस्त मत बनाओ मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक आर्मी का फैमिली बैकग्राउंड है माय फादर वाज इन डिफेंस माय अंकल वाज इन डिफेंस माय फादर वाज इन डिफेंस एंड राइट नाम आई एम सर्विंग टू द डिफेंस डिपार्टमेंट वन ऑफ मेन प्राइम डिफेंस डिपार्टमेंट आई डोट नॉट ट नेम वो शायद मैं जस्ट यू कैन सी द फियर शायद मुझे आज भी वो डर है ज़िंदगी के 26 साल गुजारने के बाद में भी मुझे ये डर है कि शायद मैं मेरी सेक्शुअलिटी की वजह से मेरी जॉब पर कहीं आँच ना आ जाए अगर मान लीजिए मेरी जगह आज अगर कोई लड़का होता या फिर कोई बाइसेक्शुअल होता या फिर कोई स्ट्रेट होता और अगर वो उस डिपार्टमेंट का नाम लेता तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना होता जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम गे इसकी वजह से मेरी सेक्शुअलिटी की वजह से मैं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या पसंद करता हूँ इसकी वजह से हो सकता है मेरी जॉब के ऊपर भी आज आ सकती है तो यू कैन सी दैट फियर राइट नाउ मेरे घर वालों ने मेरी परिवार वालों ने या फिर मेरी सोसाइटी वालों ने मेरे ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगाई वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं गे हूँ लेकिन मुझे कभी अलग फील हुआ नहीं कि मैं गे हूँ या फिर गे होने के नाते मैं मेरी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता मैं मेरी खुद की सुरक्षा खुद कर सकता हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस का बैकग्राउंड एंड राइट आई एम वर्किंग इन अ डिफेंस डिपार्टमेंट लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी की सेक्शुअलिटी उसके जेंडर से डिफाइन नहीं होती है मैं खुद इस वक्त डिफ़ेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं और डिफेंस डिपार्टमेंट में होने के नाते मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं जब मैं एक सोसाइटी की रक्षा कर सकता हूं तो एटलीस्ट मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं अपने आप की सुरक्षा कर सकता हूं जब मैं 16 साल का था तब तो मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि सेक्स क्या होता है मुझे उसके उस वक्त किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो जो लड़का था उस वक्त ही वॉज़ अराउंड ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स मैं उस वक्त उससे दस साल छोटा था एक दिन उसने मुझे अपने घर पे बुलाया टी वी देखने के लिए बिकॉज़ वी वॉज लिविंग इन बॉर्डर एरियाज़ तो उस टाइम पर आई एम टॉकिंग अराउंड दो हज़ार नौ या दस उस वक्त टी वी आ चुका था बट उस वक्त हमारे घर में टी वी नहीं था तो मैं उसके घर पर यूजली दोपहर में या फिर शाम के वक्त टी वी देखने जाया करता था तो एक दिन जब मैं उसके घर पे टीवी देखने गया तब उसने मुझे, जब एक दिन मैं उसके घर पे टीवी देखने गया तब उसने मुझे मॉलिस करने की कोशिश की उसने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कि एक लड़का हो के एक कोई किसी लड़की के साथ में गलत कैसे कर सकता है गलत से मेरा मतलब है गलत से मेरा मतलब है उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की जब मैं सोलह साल का था तब मेरा रेप हुआ एक बच्चा जिसे सेक्स का मतलब भी नहीं पता उसके साथ में रेप हुआ और ये चीज़ मैंने आज तक मेरी फैमिली में और ये चीज़ मैंने मेरे जिंदगी के 25 साल तक छुपा के रखी उस वक्त मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ये चीज़ सोसाइटी में बताऊंगा तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा हम लोगों ने वो एरिया छोड़ा मेरी फैमिली ने वो एरिया छोड़ा और हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए जयपुर शिफ्ट होने के बाद में मेरी स्कूलिंग शुरू हुई मेरी कॉलेज शुरू हुई मेरी स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान भी इतने कोई उस एक इंसिडेंट्स की वजह से मैं और ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाए मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर मुझे हमेशा से डर लगता था जैसे मैं किसी के साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करता था तो मुझे हमेशा वही याद आता था जो मेरे साथ में जब मैं सोलह साल का था तब हुआ था मेरा स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं था मेरा कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं था मेरी कॉलेज पीरियड्स के दौरान मैं क्लासेस बंद करके बाहर बैठा रहता था इसीलिए ताकि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएँ मेरे जो क्लास क्लासमेट्स हैं वो मेरा मजाक ना उड़ाएं इसलिए मैं मेरी क्लासेस बंक करता था मैं घर से भागता था इसीलिए भागता था ताकि मुझे वो शादी की बातें ना सुननी पड़े मुझे वो प्रेशर झेलना ना पड़े जो प्रेशर मेरे ऊपर चारों ओर से आ रहा है वो मुझे नहीं झेलना था मुझे वो नहीं सुनना था इसीलिए मैं सिर्फ कॉलेज के अलग कॉलेज के अंदर अलग था स्कूल के अंदर मैं बहुत ही टोटली अलग था स्कूल के अंदर मुझे काफ़ी बुली किया गया मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ में नहीं बैठते थे वो लोग मैं आगे बैठता था और वो लोग लो बैक बेंचर्स थे तो वो लोग मुझे पीछे से टीज़ किया करते थे कभी मेरे ऊपर चौक फेंकना कभी पेंसिल फेंकना और वो लोग लो ग्रुपज़म करके एक ग्रुप बना के चार से पाँच लोगों का ग्रुप बना के मुझे टीज़ करते थे लंच टाइम में मुझे छेड़ना पीरियड्स में मुझे छेड़ना टीचर को बोल के मुझे छिड़वाना और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं अगर मैं शायद उन्हें काउंट करने लगूँ तो शायद वक्त कम पड़ेगा तो मैं उन सब उन, मेरे बचपन की उन बुरी यादों में मैं अब नहीं जाना चाहता एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरे घर में खुशी का माहौल था मेरे घर पर रिश्तेदार थे मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे अ, मेरे घर में खुशी का माहौल था मेरी माँ जो है पड़ोस में मिठाइयाँ बांट रही थी मेरी सिस्टर खुश थी तो उस वक्त जब मैंने मेरे घर वालों से खुशी का कारण पूछा तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आ, तुम्हारी सगाई हो चुकी है उस वक्त मुझे पता चला किसी और के थ्रू पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है मेरे ज़िंदगी का जो सबसे अहम डिसीज़न था वो मुझसे बिना पूछे लिया गया मेरी ज़िंदगी का वो डिसीज़न जिससे मैं मेरी पूरी ज़िंदगी भर भागता रहा वो डिसीज़न मेरे घर वालों ने मुझसे बिना पूछे लिया और जिस चीज़ से मैं मेरी ज़िंदगी भर भागता रहा आज वो हकीकत मेरे सामने आके खड़ी थी और मुझे उस हकीकत को फ़ेस करना था मुझे उसका जवाब देना था लेकिन उस वक्त मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था मुझे वक्त चाहिए था और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं मेरी सगाई हो चुकी है देन आई रियलाइज़ कि विजय इट्स प्राइम टाइम बिकॉज मैंने मेरे ज़िंदगी के 25 से 26 साल एकांत में अकेले में गुजारे थे जब मैंने मेरी माँ को मेरे बारे में बताया कि मैं गे हूँ उस वक्त मेरी माँ ने मेरे बचपन से लेके ज़िंदगी के 26 साल तक जो शादी के सपने देखे थे वो सारे सपने चूर चूर हो चुके थे मेरी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई बिकॉज़ मेरी माँ ने हमेशा से मेरे अंदर एक बेटा देखा है मेरी माँ की मुझसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि मैं शादी करके एक बहू को घर लेके आऊँगा मेरे भी बेटा बेटी होंगे और मेरी माँ उन्हें खिलाएगी मैंने मेरी माँ को मेरे बारे में बताया उस वक्त मेरे घर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फैमिली ड्रामा शुरू हो गया बिकॉज़ मेरी माँ के सारे सपने जो मेरी माँ ने बचपन से लेके आज तक मेरी शादी के देखे थे वो सारे सपने टूट चुके थे मेरी माँ मुझे तांत्रिक के पास लेके गई पूजा पाठ कराने के लिए डॉक्टर के पास में लेके गई लेकिन जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था वो चीज़ मुझे किसी डॉक्टर के पास में या किसी तांत्रिक के पास में जाने से नहीं मिलने वाली थी वो चीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ से मिलने वाली थी मुझे मेरी माँ से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए था मुझे मेरी माँ से सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के दो शब्द चाहिए थे धीरे धीरे मेरी और मेरी माँ के बीच में फासले बढ़ते गए हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी पसंद अलग है मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमें लड़का या लड़की नहीं बनाया भगवान ने हमें इंसान बनाया है सबसे पहले हम मानव हैं इंसान हैं भगवान की कृति हैं और मेरा मानना है कि जब भगवान से गलतियां नहीं होती तो एक जो सोसाइटी है जो आप लोगों की सोसाइटी है वो मुझ जैसे लोगों को या फिर हमारे जैसे लोगों को एक अलग चॉइस होने के कारण कैसे अलग फ़ील करवा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम बॉय एंड आई लव बॉयज़ दैट डजन मीन की आई एम डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने ही हमेशा फ़ील करवाया मुझे बचपन से लेके आज तक जिंदगी के 26 सालों तक सोसाइटी ने कमज़ोर फील करवाया अलग फील करवाया और सोसाइटी ने ये फील करवाया कि मैं गे होने के कारण मैं मेरी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता लेकिन जिन भी लोगों ने मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में कम आका है या फिर मुझे कम फील करवाया है उन सभी लोगों को मैं आज स्टॉक के मन से जवाब देना चाहूँगा कि एक डिफेंस डिपार्टमेंट में होने के नाते मैं आपके साथ साथ खुद की भी रक्षा कर सकता हूँ और अगर मैं जब खुद की रक्षा कर सकता हूँ तो मैं देश की और आप लोगों की भी रक्षा कर सकता हूँ और मेरा ये मानना है कि किसी की सुरक्षा का भाव किसी के जेंडर से या किसी की सेक्शुअलिटी से डिफाइन नहीं होता है अगर कोई गे है लेस्बियन है बासेक्शुअल है ट्रांसजेंडर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है वो खुद के साथ साथ में आप लोगों की भी रक्षा कर सकता है लड़कों जैसे रहो लड़कों जैसे बोलो बोलते टाइम अपने हाथों का यूज़ मत करो लड़कों जैसे कपड़े पहनो लड़कों जैसा हेयर कट कराओ लड़कों जैसे गाड़ी चलाओ मुझे हमेशा से ये प्रेशर दिया गया है मुझे हमेशा से ऐसा बताया गया है कि लड़कों जैसा बनो ये जो सोसाइटी है इसने हमेशा से मेरे ऊपर एक प्रेशर डाला है कि मुझे लड़कों जैसा बनना है लेकिन कभी भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मुझ जैसा बनना है जब तक वो इज्ज़त और वो प्यार हमें सोसाइटी सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलेगा तब तक वो हम आपको लौटा ना लौटा नहीं पाएंगे बिकॉज़ मेरा ये मानना है वो एक कहावत है ना हिंदी में कि जो जैसा बोता है वो वो वैसा ही काटता है तो अगर आप हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्यार के दो शब्द कहेंगे या फिर प्यार से हम लोगों से बात करेंगे तो जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं वो प्यार हम सोसाइटी में चौगुना या दोगुना करके लौटा पाएंगे हमें सिर्फ आप लोगों से कोई एक्सेप्टेंस कोई वैलिडेशन कोई सर्टिफिकेट या कोई मेडल नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से प्यार चाहिए तो इन फ्यूचर रस्ते में ऑफ़िस जाते हुए या फिर ऑफिस से घर लौटते हुए आप मुझ जैसे लोगों को मेट्रो में ट्रेवल करते हुए या फिर अपने सोसाइटी में अपने घर के पास में मुझ जैसे लोगों को मेरा मतलब है मुझ जैसे गे बाईसल ट्रांसजेंडर लेसबियंस मुझ जैसे लोगों को अपने आसपास देखो तो उन्हें जज मत करना बिकॉज़ वो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं उन लोगों में आपसे ज़्यादा हिम्मत है अगर आप उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो प्यार के शब्द कहेंगे तो वो प्यार वो सोसाइटी में वापस लौटा पाएंगे और जो प्यार आप उन लोगों को दे रहे हैं वही प्यार एक दिन आपके पास में लौट के आएगा आपके पास में लेकिन अगर आप प्यार की जगह उन लोगों को नफ़रत दे रहे हैं तो एक दिन वही नफरत आपके पास में लौट के आएगी हो सकता है मुझसे ना हो सकता है किसी और से पास से लौट के आए मेरी माँ को लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे साथ में कुछ गलत हो जाएगा या फिर मैं बाहर जाने से बिगड़ जाऊँगा या फिर ज़्यादा दोस्त बनाने से मैं बिगड़ जाऊँगा तो मैं मेरी माँ को जो स्टॉक के मन से कहना चाहूँगा माँ आपका वो बेटा जो आपके सामने बोलने से भी डरता है जो आपके सामने आवाज़ नहीं उठा पाता था खुद के लिए जो घर की दहलीज़ नहीं लांग सकता था खुद के लिए आज वही बेटा स्टॉक के मन से आपको प्राउड फील करवा रहा है जो स्टॉक के मन से मैं मेरी माँ को ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की हीरो मेरी माँ है मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन भी मेरी माँ हैं मैंने गिर के उठना मेरी माँ से ही सीखा है कि जिंदगी के अंदर चाहे कैसा भी दौर आ जाए वो जो दौर होता है वो टिकता नहीं है और समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है तो आई वन ऑ थैंक जोश कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं मेरी आवाज़ बाकी सब लोगों तक पहुँचा पाया अगर आपको आपका बच्चा कहता है कि वो लेसबियन है गे है बायसेक्शुअल है या फिर ट्रांसजेंडर है तो उस वक्त आप अपने बेटे को अकेला मत छोड़ दिए क्योंकि यही वो वक्त है जिस वक्त आपके बेटे या बेटी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे प्यार दीजिए उसे एक्सेप्ट कीजिए वो आपका बेटा या बेटी बाद में है सबसे पहले वो आपकी संतान है आपका अंश है उसे आप सिर्फ उसकी सेक्शुअलिटी की वजह से जज मत कीजिए मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा अगर आपने अपने बेटे या बेटी को जैसा वो है उसकी सेक्शुअलिटी के कारण अगर आपने उसको अलग फील करवाया है तो उसे प्लीज़ मत करवाइए बिकॉज इन सबसे मैं खुद गुजर चुका हूँ मुझे पता है कि जब एक बच्चे को जो प्यार चाहिए होता है पेरेंट्स से जब वो नहीं मिलता है तो उस बच्चे को कैसा फील होता है वो बच्चा आज भी मेरे अंदर जिंदा है और वो बच्चा आज भी प्यार मांग रहा है तो मैं यही कहूँगा जो स्टॉक के मन से सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को बेटा या बेटी को आप अपनी संतान को एक्सेप्ट कीजिए वो आपका बेटा या बेटी बाद में है पहले वो आपका अंश है आपकी संतान है शायद आप उसे प्यार देखे, जीना सिखा सकते हैं उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं मैं उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी संतानों को एक्सेप्ट किया है और आप लोग जो हैं एक इंस्पिरेशन हैं और मुझ जैसे कितने ही सारे लोग होंगे जिनको उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा सो मैं उन सभी लोगों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आज राजस्थान के एक छोटे से जिले से होकर डिफेंस बैकग्राउंड से होकर डिफेंस फैमिली से होकर और डिफेंस के अंदर खुद जॉब करके खुद को सिक्योर करके मैं खुद भी खुद को सिक्योर फील करवा सकता हूं और आप लोगों को भी सेफ फील करवा सकता हूं अगर मैं आज जो स्टॉक्स के मन से खड़ा होकर अपनी आवाज़ उठा सकता हूं आप सभी लोगों के लिए तो आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कम मत मताए उससे हिम्मत दीजिए उसे सपोर्ट दीजिए और अगर आप हिम्मत और सपोर्ट भी नहीं दे पाए तो सिर्फ़ और सिर्फ उसे प्यार दीजिए क्योंकि यही वो वक्त है जिस वक्त आपके बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो थैंक यू थैंक्स अलॉट धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आके लोगों के लिए एक मिसाल बनने का मौका दिया थैंक यू धन्यवाद